In the last few weeks, we have seen some horrible images of migrant workers walking thousands of kilometers to try and get from their workplaces back to their homes in the middle of this lockdown over the coronavirus pandemic. In many cases, respective governments have helped. For instance, the UP government ran buses initially to help the workers get home. And now you have quieter roads, so to say. But even now, some people are walking back, doing long journeys back home. This is a group of 4 students that I encountered here in Lucknow. They study in Bareilly and they are trying to walk to Banaras. One of these people told me that it's 564 kilometers. So I'm just going to try and get a sense from them about why they are doing it. Aapka naam kya hai? जी, मेरा नाम गोलू मिश्रा है। अच्छा, ये बताइए, आप बनारस के हैं जी, और कहाँ पढ़ते हैं आप? बरेली में। बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय। क्या कर रहे हैं वहाँ? जी, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, मतलब बीए, बीएससी। वहाँ पे क्या रहते हैं, एमबीए। अच्छा, ये बताइए कि क्या मजबूरी है जो आप लोग बरेली से बनारस जा रहे हैं, और क्यों आप अपने विश्वविद्यालय में नहीं रह पाए? जी, वहाँ पे कुछ पैसे की दिक्कत हो गई थी। अब जैसे लॉकडाउन बढ़ा था, 14 तारीख को बोले थे, 14 तारीख को हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग सोचे इतना एस्टिमेट है हम लोग के पास, इतना कर लेते, फिर उसके बाद लॉकडाउन बढ़ गया, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो जैसे घर से पैसे वैसे नहीं मांग पाए आप? घर से पैसे, जब घर पे काम होगा तभी तो घर वाले पैसे भेजेंगे। क्या करते हैं आपके घर पे लॉकडाउन? घर पे पापा मजदूरी करते हैं जी, बस मजदूरी करेंगे। लॉकडाउन में मजदूरी बंद है, सब कुछ बंद है, तो कहाँ से आएगा पैसे? पैसे तो जी, तो इतनी लंबी जर्नी करने है, जैसे कोई लोकल साधन आप कुछ भी नहीं ढूंढ पाए कि कुछ दिन और चल जाए आपका काम? जब एक लॉकडाउन झेल लिया तो दूसरा भी झेल लें? नहीं, तो धीरे धीरे सोच रहे, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि तीसरा चरण चालू होगा लॉकडाउन का, तो फिर दिक्कत होगी, तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए सबसे अच्छा है कि निकल जाइए 2-3 दिन और थोड़ा मेहनत करके। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में लगभग 7-8 लोग हैं। तो अभी घर पर आपका काम कैसे चल रहा है? घर पर चल रहा है, कैसे इधर उधर से कुछ एडजस्ट हो रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुभम सिंह है। शुभम, तुम भी बनारस से ही हो? जी। अच्छा, ये बताओ कि कितने किलोमीटर अभी चल चुके हो, और रास्ते में प्रशासन ने कोई मदद की? जी, प्रशासन ने मदद की जहाँ तक हो सका वहाँ पे की, और कुछ हम लोग पैदल भी चले। कितने किलोमीटर चल गए हो, और कितना पैदल चले होगी, और कितना गाड़ी वाड़ी मिली थोड़ी बहुत? 150-200 गाड़ी मिली होगी, वही 7500 हम चलेंगे। 75 चले हो कल सुबह से? जी। प्रशासन ने किस तरह से मदद की शुभम? वहाँ के बरेली के मजिस्ट्रेट थे जो हम लोगों को, सभी लोगों को क्रमश ट्रक पे बैठाएं और बोले कि बाहरी बाहर आप लोग सुरक्षित, हाईवे से मदद लेते हुए प्रशासन की, आप लोग निकल जाइए। तो लखनऊ पहुँचे हो, तो यहाँ कोई साधन आगे जाने के लिए मिला है कि नहीं शुभम? लखनऊ अभी साधन तो मिला नहीं है फिलहाल, अभी तलाश कर रहे हैं। अभी तलाश कर रहे हो, ठीक है। आपका नाम क्या है? सर रोहित पांडे। अच्छा, आप भी बनारस से ही हैं? जी सर। आपके घर वाले क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सिंगल हैं, अकेले हैं, वही फार्मिंग रहते हैं, किसानी करते हैं बस। अच्छा, तो बहुत मजबूरी थी, आपको निकलना पड़ा या? सर मजबूरी थी, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी। हाँ। घर पे हालात ऐसे थे कि वहाँ से कुछ मांगने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। आप बरेली में हॉस्टल में रहते हैं या प्राइवेट? पर्सनल रूम ले रहे थे, उसका खर्चा वर्चा रहता था सर, अपना कुछ है, कपड़ा पड़ा साफ करने के लिए सब कुछ, साबुन। तो वहाँ खाने पीने का कैसे करते थे सर? मैनेज किए, इतना दिन था वो जो था स्कॉलरशिप आया था, उसके बाद जो था पापा वापा भेजे थे लॉकडाउन पहले जो 21 दिन का था, उसके बाद जब खत्म हो गया तो उसके बाद सोचे कि 3-4 दिन झेल लेते हैं, उसके बाद से चलते हैं घर। 3-4 दिन में घर पहुंच जाएंगे तो उससे अच्छा रहेगा, जो फिर तीसरा चरण चालू होगा, फिर वो 10 दिन 20 दिन या 30 दिन को होगा, जो भी होगा उसको फिर झेलना नहीं पड़ेगा, वो घर पे देख लेंगे फिर। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार ने भी रास्ते में थोड़ी बहुत मदद की है आपकी? जी सर, सरकार मदद की है, जो गवर्नमेंट सब सर थे, पुलिस थे या कर्मचारी थे, सब लोग सपोर्ट किए, सब लोग केला वाला खिलाए, सब बिस्किट खिलाए, पानी पिलाए, सब लोग हेल्प किए हैं सर। अब हम लोग भी हिम्मत बांध रहे निकलने का। अभी सर सुल्तानपुर हाईवे पर निकलने वाले हैं, वही हाईवे से फिर ट्रक व्रक की व्यवस्था करेंगे। ट्रक मिल जाए। यस सर। कितना और चलना पड़ेगा? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संदीप पांडे है। संदीप, कितना और चलना पड़ेगा अभी आप लोगों को? अभी तो 300 किलोमीटर की जर्नी है। हाँ सर, अभी तो चलना ही पड़ेगा, घर तक जाना पड़ेगा। मजबूरी थी आपके घर में भी? यस सर, मजबूरी थी, मजबूरी थी। ठीक है, सो देयर यू हैव इट। आई थिंक अगेन इट्स डिस्टर्बिंग टू सी दिस, बट दीज स्टूडेंट्स आर यंग पीपल, 20-21 साल के होंगे आप लोग? यस सर। 20-21 years old, and they feel that they had no option but to try and attempt this 500 kilometer journey between Bareilly in West UP to Banaras, as we all know, the Prime Minister's constituency in the eastern part of the state. But they are going to press on. One good thing that they say is that the government has helped them as much as the government can. So one hopes that they will get home so safely. With Dinesh Pratap Singh, this is Alok Pandey, NDTV.